गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इजी है। आप पत्तियों से इस एक्टिविटी को आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? फेविकोल, सीजर, नीम की पत्तियाँ और ये है बेटा पापड़ी का जो पेड़ होता है उसकी पत्ती है, ठीक है। और ये है इनकी टहनी, नीम के पत्ते की ही टहनी है छोटी वाली, ठीक है। सबसे पहले ये पत्ती चिपकाएंगे बेटा फेविकोल से। इसके बाद बेटा ये वाली छोटी टहनी हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरी टहनी इसी के जस्ट पास यहाँ पे। इनके बाद बेटा हम एक लीफ की थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे इस शेप में गर्दन बनाने के लिए और यहाँ पे पेस्ट करेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद एक लीफ गोलाई में कटिंग करेंगे, फेविकॉल लगाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसके बाद बेटा हम एक लीफ में से छोटी सी ट्रायंगल में इसकी चोंच की कटिंग करेंगे। ये बेटा हमने चोंच पेस्ट कर दी है। उसके बाद हम इसकी कलगी लगाएंगे, ये होती है कलगी लगाएंगे। इसी में से टहनी में से हम कट कर लेंगे, जो बड़ी वाली है वो हम बीच में पेस्ट करेंगे और जो छोटी वाली है वो साइड में। ये इसकी कलगी हो गई। ये गेहूं के दाने से बेटा कट करके मैंने इसकी आँख बना दी है इन छोटी छोटी टहनियों से। बेटा अब हम इसके पैर बनाएंगे। पैर बनाने के बाद बेटा हम ये टहनी लगाएंगे यहाँ पे। टहनी लगाने के बाद ये पत्तियाँ चिपकाएंगे। इसके बाद हम इसके लिए यहाँ पे गेहूं के दाने पेस्ट कर देंगे फेविकोल लगा के, और उस पर गेहूं के दाने पेस्ट कर दिए हैं यहाँ, ठीक है बेटा। आई होप आप सभी को ये एक्टिविटी बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सभी बच्चे बनाएंगे और मेरे पास सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।